ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एएचडीपी जेनेटिक्स के अंदर अपने जो चैप्टर नंबर 19 है उसका जो आज अंतिम पॉइंट है इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो जो अपना चैप्टर नंबर 19 था ब्रीडिंग पॉलिसी, वो क्या है, काफ़ी लंबा चैप्टर था, थ्योरिकल ज़्यादा था, तो ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रजनन सांड का चयन। क्या है? प्रजनन सांड का चयन, प्रजनन सांड। अब देखो बच्चों, मैं ये जो बोल रहा हूँ प्रजनन सांड का चयन, तो मैं ये आपको पहली क्लास से बताता रहा हूँ, बीच बीच में मैंने बोला था, आप बिल्कुल भी ये नहीं घबराना भी ये थ्योरी है कैसे याद करेंगे, ये है वो है, आपको तो बस ये जो टर्म है वो ध्यान में रखनी है, जो असल में चीज़ काम आनी है वही आनी है, ठीक है। तो प्रजनन का दिमाग सब बताते हैं, आपके दिमाग में जैसे प्रजनन क्या है, सांड का मतलब क्या होता है, बैल क्या है, सांड क्या है, प्रूवन सांड क्या है, तो जब भी ये टर्म आए आगे तो आप थोड़ा दिमाग पे जोर डाला करो, तो वो चीज़ आपकी हमेशा के लिए माइंड में फीड हो जाएगी। तो अभी अपने पढ़ रहे हैं प्रजनन सांड का चयन कैसे करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग सायर्स। सायर क्या कहते हैं सांड को इंग्लिश में, सायर। अब देखो सायर शब्द आ गया, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, सायर का मतलब है सांड। तो अब अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग सायर। राज्य में गोवंश विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु संतति परीक्षण सांड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने तक उत्पादन क्षमता वाले सांडों का चयन। यानी कि अपने कह रहे हैं भी राजस्थान के अंदर है, चाहे वो कोई क्षेत्र वाइज है, अपने कह रहे हैं भी वहाँ पे दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है, तो दुग्ध उत्पादन देखो सभी कड़ी से कड़ी मिली हुई है, क्या अकेली जो एक ब्रीड है नर मादा है सॉरी उसे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेटिंग करवानी पड़ती है, प्रजनन करवाना पड़ता है, तो प्रजनन के लिए दोनों बातें ध्यान रखनी पड़ती है, भी जो अपने मादा ले रहे हैं उसका भी पूरे आंकड़े अपने पास होने चाहिए, उसी प्रकार से जो नर है, जो प्रूवन सायर है, प्रूवन सांड है, उसका भी अपने को नस्ल है, उसका जो ब्रीडिंग वैल्यू है सारी पता होनी चाहिए। तो उसका चयन कैसे करेंगे ये अपना टॉपिक है, तो उसके बगैर उत्पादन नहीं हो सकता। उन सांडों का चयन कैसे करेंगे, उनकी माँ की दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी। भी जो प्रूवन सांड है उसका जो परीक्षण है वो किस आधार पर किया जाएगा, उसकी जो जनक है माता जो, उसके दूध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा। जहाँ कहीं भी कार्यक्रम सांडों की सगी बहन या वे मात्रे फुल एंड हाफ सिस्टर की सूचना उपलब्ध हो वहाँ चयन उपयुक्त सूचना के आधार पर किया जाएगा। कैसा? या तो सगी बहन, ठीक है, या जो मान लो चचेरी बहन है वो, तो उससे भी क्या है चयन है, पूरी कंप्लीट सूचना के आधार पर उसका चयन किया जाए। अब देखते हैं अपने प्रजनन प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न नस्लों के कृत्रिम गर्भाधान। अब कृत्रिम गर्भाधान का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या स्वाभाविक सेवा का मतलब है नेचुरल सर्विस। नेचुरल सर्विस का मतलब क्या होता है, भी जो अपने प्रूवन सांड होते हैं वो मेटिंग करते हैं मादा के साथ, वो है नेचुरल सेवा। और कृत्रिम गर्भाधान का मतलब आर्टिफिशियल, उसमें अपने एक स्ट्रा के अंदर सीमन भरा हुआ है तो वो आर्टिफिशियल हो गया, कृत्रिम तरीके से तैयार किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रजनन प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न नस्लों के कृत्रिम गर्भाधान या स्वाभाविक सेवा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले सांडों का न्यूनतम मानक निम्नलिखित रूप में विहित है। अब देखो मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, नॉलेज में होनी चाहिए आपकी, जो याद रखने वाली चीज़ है मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यह जो अपना है पहले है नस्ल है गिर नस्ल, गिर नस्ल की जो गाय है उसका जो माँ का न्यूनतम, देखो गिर नस्ल का जो सांड है क्या है, गिर नस्ल का सांड, उसकी अपने चयन करना है, तो चयन होगा उसकी माता के दूध उत्पादन के आधार पर। तो मान लो अपन नस्ल है गिर नस्ल का सांड पर अपने चयन करना है, तो अब उसकी माँ का न्यूनतम दूध उत्पादन कितना होना चाहिए, 2500 लीटर। ये कितने दिनों का है, 305 दिनों का। तो आप पर डे इसका भी निकाल सकते हो, 2500 को डिवाइड कर दो 305, तो 2500 जो लीटर दूध है वो है पर 305 दिनों का, तो वो गिर नस्ल के सांड की जो माँ की उत्पादन क्षमता है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 2500। अब ऐसे तो चयन कैसे करोगे, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, क्या लक्षण प्रारूप से आप प्रूवन सांड का चयन कर सकते हो, लेकिन वो क्या गलत साबित भी हो सकता है। क्यों? आपने उसका आकार देख लिया, रंग देख लिया, बॉडी वेट वगैरह देख लिया, लेकिन सही जो चयन है वो तो एक फिनोटाइप भी बाहरी लक्षणों के आधार पर है,
लेकिन उत्पादन में जो चीज़ काम आ रही है वो आ रही है उसकी माँ के दूध उत्पादन के हिसाब से। तो ये कह रहे भी अगर गिर नस्ल का कोई सांड है उसके माँ की जो न्यूनतम दूध उत्पादन है वो 305 दिन है, उनमें कितना होना चाहिए 2500 लीटर। नेक्स्ट है कांकरेज, कांकरेज के अंदर क्या है 2000 लीटर। अगर मान लो कोई कांकरेज नस्ल का सांड है तो उसकी जो माँ का जो दूध उत्पादन है प्रतिवर्ष वो कितना होना चाहिए 305 दिनों का 2000 लीटर। उसी तरह से नागौरी, देखो अलग अलग है, अभी ये नहीं है अभी नागौरी का तो 1000 लीटर दे रखा है और गिर का था 2500 लीटर, तो वो अलग अलग नस्ल का अलग अलग दूध उत्पादन है प्रतिवर्ष यानी कि 305 दिनों का। क्यों? क्योंकि वो ड्राई डे आ जाता है फिर, जो बच गए जो 365 दिन होते हैं साल के अंदर जो दो महीने हैं वो अपने शुष्क डे जो होते हैं जो गाय को मतलब अपने रिलैक्सेशन पीरियड है जो उनका वो बंद कर देते हैं दूध देने का, जो बाद का समय होता है वो इसलिए 60 दिन कम कर दिए, वो दो महीने का होता है ड्राई पीरियड। अब नेक्स्ट है थारपारकर, थारपारकर का जो अगर कोई नस्ल का जो सांड है उसकी अगर मान लो चयन करना है तो उसकी जो माता का जो दूध है उत्पादन है वो प्रति वर्ष यानी कि 305 दिनों का कितना होना चाहिए 2500 लीटर, और 305 दिन को जो 25 से डिवाइड करोगे तो पर डे का आ जाएगा। तो आप डिवाइड करो 2500 को डिवाइड कर लो, मान लो 300 से कर लो डिवाइड, 300 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3824 यानी कि 8 लीटर पर डे का, 8 साढ़े 8 लीटर, यानी कि आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि डिवाइड करके पर डे का निकाल सकते हैं अपने। होलिस्टन, होलिस्टन का अगर मान लो कोई होलिस्टन नस्ल है उसके जो सांड है उसका चयन करना है तो अपने दुग्ध उत्पादन उसकी माँ का देखिए तो 4000 लीटर। अब देखो कितना डिफरेंस आया, गिर पड़ा अपने थारपारकर पड़ा वो तो 2500 लीटर था और अपने पर डे के हिसाब से 8 लीटर दूध बन रहा है अप्रोक्सीमेट, मोटा मोटा मान लें 300 को 2500 को अपने 300 से डिवाइड करेंगे 3 × 7 = 3 / 8 = 24 8.5 लीटर मान लो 9 लीटर मान लो तो दोनों टाइम का 450 लीटर हुआ। अब बात करते हैं होलिस्टन की, होलिस्टन की बात करते हैं तो 4000 लीटर दूध दे रही है वो 305 दिनों में, तो अगर अपने डिवाइड करेंगे तो कम से कम 11-12 लीटर दूध बन गया है उसका, कितना 11-12 लीटर कर लो मोटा मोटा, क्योंकि 4000 को जब अपने 300 से डिवाइड करोगे तो जो अपने बनेगा वो 13 लीटर से ऊपर ऊपर बनेगा, तो दोनों टाइम का कितना हो गया 6-6 प्लस हो गया, वो एक आंकड़े हैं। तो देखो दूध की मात्रा किस नस्ल में ज़्यादा है, विदेशी नस्ल में, लेकिन अगर आप गुणवत्ता की बात करें तो वो देसी नस्लों में ज़्यादा है। तो जब इनका क्रॉस ब्रीड क्यों कामयाब है, क्योंकि तभी तो कामयाब है भी जो देसी नस्ल है उनमें दूध उत्पादन कम है लेकिन वो परिस्थितियों के अनुकूल है, वो बहुत सारे अपने लक्षण पड़े थे भी अकाल सूखा की कंडीशन में भी वो तापमान वगैरह भी सहन कर लेती है, और जो अपने विदेशी नस्ल के सांड है उनमें क्रॉस को अगर जो क्रॉस ब्रीड तैयार करते हैं वो इसलिए कामयाब है क्योंकि उनमें दूध उत्पादन ज़्यादा होता है देसी नस्लों की बजाय। नेक्स्ट है सूरती, कौन सी है सूरती, ये भैंस की नस्ल आ गई। उसी तरह से हरियाणवी 2000 लीटर, मालवी का 1500 लीटर 305 दिनों का, राठी 2500, जर्सी का 4000, मुर्रा का 3000 लीटर दूध 305 दिनों का है। तो ये जो अपने बात पड़ी है ये बात समझाने की थी भी अगर मान लो किसी प्रूवन सायर का चयन करना है तो वो चयन होगा प्रजनन के लिए, चयन करना है तो वो चयन होगा उसकी माता के दुग्ध उत्पादन को देखकर, उसकी माता का दुग्ध उत्पादन, ये नहीं है भी किसी एक लक्षण को देखकर चयन किया जाता है, नहीं, ऐसे तो अपने बॉडी वेट है, आकार है, रंग है, ठीक है, सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन जो दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है। तो ये भी अपने सारणी पड़ी थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। आप कैसे याद करोगे इनको, याद करने के भी तरीके होते हैं, जैसे मान लो 2500 लीटर वाली गाय कौन सी है जिनका है, वो एक राठी, गिर और थारपारकर, तो इनका एक समूह बन गया गिर थारपारकर राठी, 2000 वाली हरियाणवी और कांकरेज, मालवी कितने की है 1500 और नागौरी 1000। इस तरह से आप अपनी कॉपी पे इनका समूह बनाओ और फिर याद करो, फिर वो आप नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजनन प्रयोजन के लिए संतति परीक्षित सांडों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मान लो अपने कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम बना रहे हैं, ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग के लिए जिन सांडों का चयन करेंगे तो उनमें प्राथमिकता उन सांडों को देंगे जिनका संतति परीक्षण, संतति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेनी टेस्ट, प्रोजेनी टेस्ट का मतलब होता है संतान का टेस्ट है, लेकिन वो कर किया किसके आधार पर जाता है, जनकों के आधार पर,
तो अगर मान ले कोई ऐसा सांड है जिनका संतति प्रजनन किया हुआ है तो प्राथमिकता उनको देंगे। नेक्स्ट है, प्रजनक सांडों के चयन से पूर्व समस्त सांडों की यौन संक्रमण रोग के लिए जांच की जाएगी, सेक्सुअली ट्रांसमिसेबल डिजीज। अगर मान लो कोई प्रजनन के लिए अपने सांड का चयन करेंगे तो जो सेक्स यानी यौन संक्रमण रोग है उनकी जांच की जाएगी। सांड समस्त यौन संक्रमण रोगों से मुक्त होना चाहिए, ये शर्तें हैं कुछ। पहली शर्त कौन सी थी कि जो अपने प्रजनन के लिए सांड लेंगे, भ्रूण सायर लेंगे, इनकी माता का जो दूध उत्पादन है वो देखेंगे। दूसरा, जिनका संतति परीक्षण किया हुआ है। तीसरा, यौन संक्रमण रोग है उनकी जांच हुई होनी चाहिए। अब अपने भैंसवंश प्रजनन की बात करते हैं, बफेलो ब्रीडिंग। भैंसवंश की दो मुख्य नस्लें हैं, मुर्रा और सुरती। राज्य की उत्तरी भाग, उत्तरी भाग कौन सा आ गया? अब अगर आप उनको, मैंने एक दिन बोला था कि नक्शा याद होना चाहिए, तो मान लो मैं अभी बैठा हूँ उत्तर दिशा की तरफ मुँह, मैं ये मानूंगा कि मैं मतलब पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर बैठा हूँ, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो अब ये कह रहे हैं। और लेकिन जब अपने कहीं भी बैठे होते हैं तो अपने नाक के सामने वाली दिशा उसको उत्तर मानकर अपनी दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये कुछ बेसिक बातें हैं। अभी अपने बात कर रहे हैं अभी राज्य की उत्तरी भाग, तो अगर आपको नक्शा याद हो ना तो जिले याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके दिमाग में इमेज बनती है, चित्र मानचित्र बनता है। जिस चीज़ की बात करते हैं वो चित्र से आप अपने आइडिया लग जाते हैं उत्तरी भाग के जिले। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर, भरतपुर संभाग में प्रजनन मुर्रा द्वारा किया जाएगा। राज्य के दक्षिणी भाग, उदयपुर संभाग में प्रजनन सुरती द्वारा। ये अपने पढ़ के आए थे पीछे किस जिले में कौन सी नस्ल ज्यादा है, तो ये आपको वहाँ अगर याद होगी तो यहाँ लगे याद करनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, हिमशीतित वीर्य प्रोजन सीमेन ISO प्रमाणित। ISO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, ISO सर्टिफाइड। यह मान्यता प्राप्त वीर्य केंद्रों से नाम निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा हिमशीतित वीर्य का उत्पादन किया जाएगा। हिमशीतित वीर्य ISO इंटरनेशनल सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, या जो मान्यता प्राप्त वीर्य केंद्र है उनसे जो नाम निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा हिमकृत वीर्य का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है, संतति परीक्षण या पितृ मूल्यांकन, प्रोजेनी टेस्ट या सायर वैल्यूएशन। नवीन सम्मिलित सांडों का संतति परीक्षण या पितृ मूल्यांकन वैज्ञानिक रीतियों से किया जाएगा। अगर मान लो कोई नवीन किसी पूर्वन सांड को अपने प्रजनन के लिए चयन करते हैं तो उसका या तो संतति परीक्षण करो या उनका पितृ मूल्यांकन करो। नेक्स्ट है, कार्य क्षेत्र एरिया ऑफ ऑपरेशन। प्रजनन कार्यक्रम से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेगी। जिन जिन एजेंसियों को यह काम सौंपा जाएगा वो अपने क्षेत्र में काम करेगी। यह सुनिश्चित किया जाना है कि भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा प्रजनन कार्यक्रम से संबंधित कार्यों में दोहरापन न हो। ऐसे नहीं हो अभी कहीं जो अपने प्रजनन के संबंध में जो कार्य करें कहीं तो कोई तरीके से कार्य कर रहा है, कोई कहीं से कोई तरीके से कार्य कर रहा है, तो ये प्रजनन नीति का मतलब होता है भी सभी जगह कार्य क्षेत्र में कार्य करने का तरीका एक समान होना चाहिए। प्रचालन एजेंसियों का विचार किए बिना इसमें विहित प्रजनन नीति और अन्य मापदंड समस्त प्रचालकों पर लागू होंगे। बाकी है अभिलेख और विवरणी का, रिकॉर्ड और रिटर्न। इसके अंदर क्या होता है, पूरी जो अपने प्रजनन जो प्रोग्राम किया है या प्रजनन कार्यक्रम है उसके दौरान पूरी डिटेल जो सारे आंकड़े हैं वो एकत्रित सॉरी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो आज अपने जो पढ़ा था, अभी टॉपिक था प्रजनन सांड का चयन, बेसिक सी बातें थी। इस तरह के प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं तो ये आपको याद करना है। इसी तरीके से अब अपना जो 19 नंबर चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।